इंदौर में दो दिवसीय राष्ट्रीय बंजारा कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधिगण शिरकत करेंगे। अहिल्या की नगरी इंदौर में 7 और 8 मई को दो दिवसीय राष्ट्रीय बंजारा कार्यशाला राजा भोज सभा का आयोजन होना है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मंगलम पवार जी ने जानकारी दी। झिन्या से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। दो दिवसीय बंजारा कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। चूंकि बंजारा समाज पूरे देश में हर राज्य में है और उनको एक मंच पे लाने का ये प्रयास तो है ही, लेकिन 14 स्टेट ऐसे है कि जहाँ पर बंजारा जाति को आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। उनके गाँव में पीने का पानी, बिजली, सड़क नहीं है। इसलिए हमारी इस सम्मेलन के माध्यम से ये व्यवस्थाएं केंद्र और स्थानीय राज्य सरकारों से कराना है। और दूसरा जो हमारी मांग है कि अन्य प्रांतों में बंजारा जाति को कहीं अनुसूचित माना है, कहीं अनुसूचित जनजाति माना है, कहीं पिछड़ा वर्ग माना है और कहीं विमुक्त जाति माना है, लेकिन 14 राज्यों में सामान्य जाति में होने से या अन्य सूची में होने से उन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे बंजारा समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, आईएएस, आईपीएस अधिकारी और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये इतिहासकार, ये सब एकत्रित हो रहे हैं और दो दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे और हम सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालेंगे और हम मंजिल तक पहुंचेंगे, यही हमारा प्रयास है। मंगलम पवार, मीडिया पब्लिसिटी, राजा भोजेर सभा, दो दिवसीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।